हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक भूकंप क्या होता है और यह कैसे आता है। अर्थक्वेक यानी पृथ्वी की सतह का हिलने को भूकंप कहते हैं। पर यह सतह हिलती क्यों है? जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी तरह सॉलिड नहीं है, बल्कि यह विभिन्न परतों से बनी हुई है जो तरल स्टेट में है। उसी के ऊपर हमारा स्थलमंडल लिथोस्फीयर तैर रहा है। ये है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ बहुत सारी लेयर्स में बटी है। चलो चलते हैं पृथ्वी के अंदर। जो सबसे अंदर है ये है इनर कोर, इसके बाद है आउटर कोर, और इसके बाद है मेंटल, और सबसे ऊपर है क्रस्ट। और इस क्रस्ट के ऊपर भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है, और ये लिथोस्फीयर भी पूरी तरह एक रोक नहीं है, बल्कि यह भी बहुत भागों में टूटी है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है भूकंप की यात्रा। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है, इसी कारण इनमें फॉल्ट पड़ जाते हैं। बहुत सारी अर्थक्वेक इन्हीं फॉल्ट्स के कारण आती है, लेकिन अन्य कारण भी है जिनसे भूकंप आ सकता है, जैसे ज्वालामुखी, न्यूक्लियर टेस्ट आदि। यदि इन दो प्लेट में रेगुलरिटी है तो ये आराम से मूव कर सकती है, परंतु भूत में ऐसा नहीं होता। ये इरेगुलर होती है, यानी पूरी तरह प्लेन नहीं होती, और इन इरेगुलरिटी के कारण जब प्लेट्स मूव करती है तो ये फॉल्ट्स लॉक हो जाते हैं। परंतु ये दोनों प्लेट तो मूव कर रही है, तो इन दो प्लेटों में स्ट्रेस बन जाता है, यानी स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाती है, और इनकी एक लिमिट होती है, उससे आगे स्ट्रेस बढ़ा तो ये टूट जाती है, और इससे बहुत ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा वेव की फॉर्म में निकलती है। और जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है उसे सेंटर या हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके सीधे ऊपर सरफेस का नजदीक पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। और ये जो वेव निकलती है इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव्स। बॉडी नेम से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चलती है। और बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी यानी प्रथम। इन वेव्स को इंस्ट्रूमेंट द्वारा सबसे पहले मापा जाता है, और ये सबसे तेज मूव करती है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहती है। पर ये हानि सबसे कम पहुंचाती है। ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस समेत ट्रैवल कर सकती है, और ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स की स्पीड प्राइमरी से कम होती है, इसलिए उनके बाद में आती है दूसरे नंबर पर, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहती है। ये केवल सॉलिड चीजों में से ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए अर्थ के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि अर्थ की लेयर लिक्विड स्टेट में होती है। ये ट्रांसवर्स वेव की तरह चलती है। ये वेव्स पी वेव्स से ज्यादा क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट है सरफेस वेव्स। ये सबसे कम स्पीड में ट्रैवल करती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा विनाश करती है। ये वेव्स सतह पर ट्रैवल करती है, इसलिए इन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। ये पी और एस वेव्स की इंटरफेरेंस से बनती है। ये है यूरेशियन प्लेट और ये है भारतीय प्लेट। जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इन्हीं प्लेट से भारत में भूकंप आते हैं। अब मैग्नीट्यूड के आधार पर भूकंप के इफेक्ट को जानते हैं। यदि मैग्नीट्यूड 0 से 1.9 है तो आपको पता नहीं चलेगा कि भूकंप कब आया। यदि मैग्नीट्यूड 2 से 2.9 है तो थोड़े बहुत झटके लगेंगे। 3 से 3.9 मैग्नीट्यूड भूकंप थोड़ा बहुत महसूस होगा। 4 से 4.9 में आसपास की चीजें हिलने लगेगी, सामान भी गिरेगा। 5 से 5.9 में सब कुछ हिलने लगेगा। 6 से 6.9 कच्चे घर गिर जाएंगे। 7 से 7.9 ऑलमोस्ट बहुत सी इमारतें गिर जाएंगी। 8 से 8.9 में सुनामी आ जाएगी, और 9 में सब कुछ तबाह हो जाएगा। 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में 32 टाइम्स ज्यादा एनर्जी निकलती है 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से, और 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में 1000 गुना एनर्जी निकलती है 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से। और जो एटॉमिक बम वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किए गए थे, ऐसे 10,000 बम से 8.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जितनी एनर्जी निकलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।